हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैनी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैंड पर्स, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बैग बनाना। सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है, लॉक लिया है, आप चाहें तो लैस भी लगा सकते हैं। एक डोरी, फॉर्म और कपड़ा चाहिए हमें अस्तर के लिए। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 8.5 लंबाई और 8.5 चौड़ाई लिया है। अब एक कपड़े मैंने नीचे डाला है, इसके ऊपर डाला है और इसके अच्छे से पूरी तरह से सिलाई करना, ताकि हमारा फोम कभी फटता नहीं इस तरह से। तो अब देखिए, हम पूरे लंबी सिलाई करके इस तरह से चारों तरफ से इसे मैंने पहले सिल दिया है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम काट देते हैं, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी होती है। इस तरह से अब हम इस तरह से इसका लंबा और क्रॉस में आप चाहे जैसा भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे बॉक्स को भरना है पूरे कपड़े में। कपड़े लंबा कर लिया, अब चौड़ाई में कर रही हूँ। इस तरह से पूरे बॉक्स बनाना है, इसे दोनों तरफ के कपड़े बनाने। इसमें हमें पैकेट भी बनाना है ऊपर से। इस तरह से डिजाइन आप बना सकते हैं। अब मैं इसे बीच से कट कर लेती हूँ, ताकि मेरी 8.5 और 8.5 की लंबाई और चौड़ाई रहे दोनों में। अब बीच के कपड़े मैं इस पर चैन लगा लूँगी पहले। ये बहुत ही आसानी से लॉक मैं बाद में लगा रही हूँ, ताकि आपको बाद में भी लॉक लगा सकते हैं, या चाहे आप पहले भी लगा सकते हैं। ये ऊपर का पैकेट है, अब उस पर हम दूसरे कपड़े पे इसे अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा चैन लग गया है। अब इसमें लॉक घुसा लेंगे, बहुत ही आसानी से लॉक भी घुस जाता है। अब इस कपड़े को हम दबा के सिल देंगे। जब हम चैन लॉक को खोलेंगे तो हमारा अंदर का कपड़ा उसमें आएगा नहीं। इस तरह से उसे हम दबा के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारा एक तैयार हो गया दोनों पैकेट। अब हम बीच का लगाएंगे। मैंने ब्लैक लिया है, ताकि आप चाहे तो कपड़ा के कलर के भी मैचिंग जिप ले सकते हैं। अब इस तरह से हम इसे दोनों पल्ला मेरा अटैच हो गया है। ये देखिए, मैं बीच का सिलाई लगा देती हूँ। अब पकड़ने के लिए से हम डोरी चाहे तो आप जितने बड़ी चाहे लगा सकते हैं, छोटा या लंबा किसी भी तरह से। ये देखिए, हमारा दोनों तरफ का डोरी लग गया है। अब इसे हम अंदर करके इसे अच्छे से दोनों तरफ का डोरी जब सिल जाएगा, तब हम इसे पलट के बीच से सिलाई करेंगे इसका। ये देखिए, हमारा हो गया। अब इसे सबको हम अंदर डाल देते हैं और इसको इस तरह से पैक करके हम सिल देंगे। आपको चाहे तो लंबा डिजाइन करना है तो इसमें आप लंबा कर सकते हैं, चाहे तो गोल चाहिए, राउंड शेप थोड़ा चाहिए तो आप इसे राउंड शेप सिल सकते हैं। इस तरह से चैन पे थोड़ा सावधानी से चलाना होगा, ना तो सुई हमारी टूट जाएगी। इसे थोड़ा सावधानी से सिलाई करें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट के हटा देंगे। ये देखिए, हमारा पर्स बन के रेडी है। ये देखिए, ये मेरा ऊपर का पैकेट आगे पीछे का है और एक बीच का है। ये देखिए, ये हमारा पर्स बन के तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा? पर्स पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए आपको ये पर्स कैसा लगा।